Student, good morning. This is your online SST class for second standard. Today we discussed rest topic of your SST book. Second chapter, name is Tanadar Mountains. Okay. So start now. We start from here. Firan and Salwar are the traditional clothes worn by men and women here. तो फिरन और सलवार है ना, यहाँ के लोगों का परंपरागत परिधान है जो यहाँ के आदमी और औरत पहनती हैं. During the cold winter months, यानी कि जाड़ों के महीने के दौरान, दे ऑल्सो कैरी ए स्मॉल पॉट विद बर्निंग कोल टू कीप वॉर. यानी कि जाड़ों के महीने के दौरान यहाँ के लोग एक छोटे अंगीठी जो इसमें कि कोयला जलता रहता है अपने साथ रखते हैं ताकि स्वयं को गर्म रख सकें. This is called a kangri, जिसे कांगरी कहते हैं. They also drink कहवा, वे कहवा भी पीते हैं. The traditional green tea, जो एक परंपरागत हरी चाय है. The occupation of the people here depends upon the time of the year and the kind of weather. यहाँ के लोगों का जो पेशा है वो यहाँ के मौसम के प्रकार और साल के समय पर निर्भर करता है. During the summer months, they grow crops such as rice, maize, rajma, vegetables, fruits and saffron. ठीक है. और गर्मियों के महीनों के दौरान ये लोग जो फसल उगाते हैं वो है राइस, maize, rajma, vegetables, यानी सब्जियां, फ्रूट्स एंड सफरून. सफरून का मतलब होता है जिसे केसर कहते हैं. ड्यूरिंग विंटर इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि जाड़े के दौरान यहाँ फसल उगाना संभव नहीं है. सो दे मेक हैंडीक्राफ्ट एंड वीव कारपेट्स, शॉल्स एंड क्लॉथ्स टू अर्न मनी. तो यहाँ के लोग जाड़ों के महीनों में हैंडीक्राफ्ट, जिससे कि हाथ से बने जो हस्तशिल्प से संबंधित जो उत्पाद बनाते हैं वो कारपेट वीव करते हैं, यानी कि कालीन पीनते हैं, शॉल बनाते हैं और कपड़े बुनते हैं ताकि पैसे कमा सकें, टू अर्न मनी. अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है जो हिमालयन रीजन में पड़ता है. लाइक कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इज कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. कश्मीर की तरह हिमाचल प्रदेश जाड़ों गर्मियों में ठंडा रहता है और जाड़ों में बहुत ठंडा. इट हैज ब्यूटीफुल मीडोज, यहाँ खूबसूरत मीडो मतलब होता है मैदान, घास का मैदान. लस ऑर्चर्ड, यहाँ पे हरे भरे जो ऑर्चर्ड्स के पेड़ होते हैं. एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां हैं. अ नंबर ऑफ हिल स्टेशंस सच एज शिमला, कुल्लू, मंडी एंड डलहौजी डॉट द लैंडस्केप. यहाँ कुछ हिल स्टेशन हैं जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली और डलहौजी. ये कुछ ऐसे हिल स्टेशंस हैं जो यहाँ के लैंडस्केप पे स्थित हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज शिमला. शिमला इज द कैपिटल, शिमला राजधानी है. मैनी पीपल विजिट दिस हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर्स एज वेल एज विंटर्स. बहुत सारे लोग गर्मियों में और जाड़ों में भी यहाँ हिल स्टेशन पे आते हैं, विजिट करते हैं. ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर सम एक्टिविटीज दे एंजॉय. यहाँ वे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जैसे एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं. राइस, मैज, बेरली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय फार्मर्स हियर. और यहाँ पे जो प्रमुख
जो उगाई जाती हैं फसलें वो हैं राइस, मैजी, बेरली और फ्रूट्स। दे ऑल्सो रियर शिप एंड गोट्स, और वे यहाँ बकरियाँ और भेड़ भी पालते हैं। कलरफुल वूलन कोट्स एंड फीरेंस आर वोर्न अलोंग विद पायजामा एंड चूड़ीदार्स। तो यहाँ पे कुछ रंगीन जो वूलन कोट्स होते हैं वो बनते हैं, फीरेंस यहाँ के लोग पायजामा और चूड़ीदार के साथ पहनते हैं। वूलन कैप्स आर वोर्न बाई मैन। वूलन कैप्स यानी कि ऊनदार जो टोपी होती है वो यहाँ के आदमियों द्वारा आदमी पहनते हैं, जबकि वुमेन वियर ट्रेडिशनल स्कार्फ्स कॉल्ड धाजू। जबकि यहाँ की औरतें जो परंपरागत स्कार्फ्स पहनती हैं उसे धाजू कहते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेट है अब उत्तराखंड। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। तो जो उत्तराखंड है यह वह राज्य जो कि हिमालय के फुट हिल्स यानी कि उसके हिमालय के फुट हिल्स में बसा है, नीचे स्थित है। द हायर रीजन्स आर कूल इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स। यहाँ का जो ऊपरी क्षेत्र है वो गर्मियों में ठंडा रहता है और जाड़ों में बहुत ठंडा। वाइल द फुट हिल्स आर ड्राई एंड हॉट इन समर्स। जबकि फुट हिल्स गर्मियों में गर्म और सूखी रहती है। द रीजन हैज ब्यूटिफुल फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड रोडेंड्रन ट्रीज। और यहाँ पे जो यहाँ के क्षेत्र में जो जंगलों में जो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट्स हैं उसमें ओक और रोडेंड्रन ट्रीज पाए जाते हैं। देहरादून इट्स कैपिटल, और देहरादून यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? उत्तराखंड की। ऑल्सो नोन एज देवभूमि और द लैंड ऑफ गॉड्स, जिसे हम देवभूमि या भगवान के भूमि के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड हैज ए नंबर ऑफ प्लेसेज लाइक हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब दैट द पिलग्रिम्स विजिट। और यहाँ पे कई सारे स्थान हैं जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब है जहाँ की तीर्थयात्री आते हैं। द पॉपुलर हिल स्टेशन एंड टूरिस्ट स्पॉट सच एज नैनीताल, मसूरी एंड मुनस्यारी आर लोकेटेड हियर। और कुछ प्रमुख हिल स्टेशंस जहाँ टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वो है नैनीताल, मसूरी और मुनस्यारी, यहीं पे स्थित हैं, लोकेटेड हियर। मैन वियर वूल एंड कोट्स एंड पायजामा इन विंटर्स। आदमी यहाँ जाड़ों में पायजामा और कोट, ऊनी कोट पहनते हैं एंड शर्ट्स एंड पायजामा और ट्राउजर्स इन समर। जबकि यहाँ शर्ट और पायजामा या ट्राउजर्स गर्मियों में पहनते हैं। वुलन वियर साड़ीज, वुमेन वियर साड़ीज, औरतें साड़ी पहनती हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर, और यहाँ के लोगों का जो मेन पेशा है, ऑक्यूपेशन है, वो है एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग द समर यानी कि गर्मियों के दौरान अ लॉट ऑफ टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड पिलग्रिम रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड वर्क टू द पीपल ऑफ द रीजन। और गर्मियों के दौरान बहुत सारा टूरिज्म, एडवेंचरस स्पोर्ट्स और पिलग्रिम रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। तीर्थयात्रियों से संबंधित गतिविधियाँ होती है जो यहाँ के लोगों को काम देती हैं, मतलब वर्क उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। अब अगला जो चैप्टर है वो है वेस्ट बंगाल। टुडेज वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट डेज। सो थैंक यू, टेक केयर।